सब मुझे ये पता कि वो काशिद का पता किया कैसा लड़का है। सब ठीक। अगर कोई मसला होता मैं आपको कॉल पे मना कर देता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। नहीं, तेरा शुक्र है खुदाया, आज तो दो खुशियां एक साथ ही मिल गई, मुझे नजर ना लग जाए कहीं। अच्छा वो एहसान खालों की तरफ जाने, मैं तैयार हो जाऊं? हाँ हाँ, हो जा, हो जा, जा मेरा बच्चा, माशाल्लाह। मुबारक हो बहुत बहुत। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। नफीसा बहन, अल्लाह ताला ने आपको दो दो खुशियां एक साथ दे दी है। मोहित बेटे की जॉब लग गई और बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। जी भाई साहब, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपके ही बच्चे हैं ना। आपको जानते हैं कि इनके वालिद के जाने के बाद आपने मेरा कितना साथ दिया है, कोई भूल सकती हूँ मैं भला? देखे ना, हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, और देखें अल्लाह ताला ने मोइस की कितनी अच्छी जॉब लगा दी। जी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो सदफ के ससुराल वाले निकाह का कह रहे हैं, और कह रहे हैं फिर 2-3 महीने के बाद रुखसती। मैंने तो कहा भाई शादी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दें तैयारी का, इसकी जॉब तो अभी अभी लगी है। देखिए अभी मना मत कीजिएगा उनको, बस तरीके से आगे ले जाए, आके सोचने का मौका मिल जाए कोई तरीके से। अबू, हाँ? वो किचन की लाइट खराब हो गई है। अच्छा लाइट खराब? मैं नहीं नहीं मुझ जब तुम देखो क्या हुआ लाइट को। जी मैं देखता हूँ। झूठ क्यों बोला? अगर अलग से मुबारकबाद नहीं देती तो तुम सारा टाइम ताने मारते, इसीलिए। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपने अपना सूट दिखाने के लिए और अपनी तारीफ करवाने के लिए बुलाया। तुम्हें कैसे पता? पता है ये नाहिला आपी ने मुझे सूट दिया है, पूरे 23,000 रुपए का है ये सूट। प्यारी लग रही हो ना? तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी हो, इस सूट की वजह से प्यारी नहीं लग रही। इस सूट की वजह से ही स्टाइलिश लग रही हूँ। और सुनो, अब तुम्हारी जॉब लग गई है, तुमने मुझे इससे भी महंगा सूट दिलवाना है, ठीक है? और इतनी प्यारी लेसेस हैं, द कलर ना अच्छा लग रहा है मुझ पे, है ना? ऐसे कर लो इसको, दुपट्टे को ऐसे लो या ऐसे करके लो। हारून कहाँ जा रहे हैं बताइए तो सही। बस सबर करें जाने हारून, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। भाई मुझसे अब सबर नहीं हो रहा, अब आप बताएं कहाँ जा रहे हैं। बताऊंगा तो मैं भी नहीं, इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। आपको पता है ना बच्चों को मैं निगहत के पास छोड़ कर आई हूँ, और अरसल मेरे बगैर 1 मिनट नहीं टिकता। जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, वहाँ जाकर आप सब कुछ भूल जाएंगी, इस बात की गारंटी है। अब तो बताएं ऐसा क्या है, अब तो बताएं। काम करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो हारून? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। आंखें बंद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी नजर आए जब तक मैं कहूंगा नहीं आंखें नहीं खोलनी। इट्स अ सरप्राइज। ओके। देख रही हो? नहीं मैं जानता हूँ तुम देख रही हो, मेरी कसम नहीं देखना। हारून ये चीटिंग है। ये चीटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीटिंग ना करें। बहुत चला गया, बस 2 मिनट और। आ जाओ। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि सरप्राइज भी था। है क्या, कब आएगा सरप्राइज? थोड़ी देर सब्र कर लो,
हाँ सीधा दो स्टेप्स और। अच्छा बहुत इंतजार नहीं, बस यहाँ रुको, अभी आंखें नहीं खोली, जब मैं कहूंगा तब खोलनी। ओके अब खोलो। ये रहा तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट, ऐसा शानदार घर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था जिसमें तुम घर की मालकिन बनके घूमो। क्या हुआ? मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये घर तुम्हारे लिए है, अंदर जाकर देखोगी तो मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिलेगी। लगा मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्यों हमारा घर है? हमारा घर जिसमें हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, हम सब यहाँ रहेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुनिए पसंद आया? बाकी तो देखो, नहीं पहले वहां नहीं, पहले पहले इस तरफ से देखते हैं, इधर। शुक्र अल्लाह मियां, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख। आप अपनी माही को बुद्धू समझते हैं? मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि उसे अंदर तक आने देती ताकि उसे पता चल जाता कि आप लॉकर की चाबी कहाँ पे रखते हैं। बुद्धू नहीं हूँ मैं। बेटा मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करो, ये नहीं हो सकता कि बीच चौराहे में अपना सामान रखकर दूसरे के ईमान का इम्तिहान लो। अब ये कैसी बात की है आपने? बेटा जब तुम सर पर नहीं थे ना तो शैतान ने उसके ईमान को आसानी से बहका दिया था। हलाल है ने दोस्त को, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। खैर ये सामान तुम जाकर रखो और चाबी लाकर मुझे दो, और नसरीन से बात करो, वही इसी औरत को लाई थी। वाह, सामान भी हमारा चोरी हुआ और बात भी कोई और करेगा उससे। अच्छा और लेने दो उसको, इसकी तो ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। जरा पानी लेकर आओ, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी डॉक्टर के पास तो आप जाते नहीं है, उन गाय में अपनी मर्जी से पता नहीं लाल पीली दवाइयां खाते रहते हैं। ला रही हूं, जल्दी लाओ।